5 लाख के स्मैक के साथ आरोपी देवेंद्र जाटा निवासी फतेहपुर को किया गिरफ्तार। जिले की कोतवाली पुलिस ने शहर में स्मैक का विक्रय करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25.29 ग्राम स्मैक कीमत 5 लाख रुपए जब्त की है। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 21 सितंबर को दरुणी तिराहा एबी रोड शिवपुरी पर आरोपी देवेंद्र जाटव पुत्र चरणदास जाटव उम्र 30 साल निवासी 31 नंबर कोठी के पास फतेहपुर शिवपुरी में संदिग्ध रूप से खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसको पकड़ा तो उसके कब्जे से 25.29 स्मैक जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा लगातार नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसका कोतवाली पुलिस द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 21/9/24 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दरोनी किराए पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक किराए विक्रय करने आ रहा है, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शुक्री CSP महोदय शुक्री के मार्गदर्शन में एक टीम गठित करके तत्काल मौके पर रवाना की गई थी, जो दरोनी किराए पर एक व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र पुत्र चरणदास जाटव निवासी फतेहपुर पकड़ा हुआ, जिसके पास से अवैध मादक पदार्थ इसमें 25.29 ग्राम कीमती लगभग 5 लाख रुपए की बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी से इसमें क्रय विक्रय के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्ति को आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। गिरफ्तार शुदा आरोपी के विरुद्ध 8/21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इससे पूर्व भी कोतवाली पुलिस लगातार स्मैक के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और स्मैक एवं अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।